साई जल सेवा समिति द्वारा साई मंदिर सेक्टर 6 में प्याऊ का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस प्याऊ में प्रति मंगलवार और शनिवार को गुड़, चना और बताशा भी राहगीरों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्याऊ के संचालन में लोग स्वयं सहयोग कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से साई मंदिर रोड सेक्टर 6 में गर्मी के दौरान राहगीरों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने प्याऊ घर की स्थापना की जाती रही है। इस वर्ष भी पुरानी परंपरा को दोहराते हुए विधिवत प्याऊ घर का शुभारंभ साई जल सेवा समिति द्वारा किया गया। इस प्याऊ घर के संचालन और यहां अपनी सेवाएं देने लोग स्वयं आगे आते रहे हैं। इस वर्ष भी प्याऊ घर के शुभारंभ अवसर पर ऐसी स्थिति देखने को मिली। यहां प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को गुड़, चना के साथ ही बताशे का वितरण भी किए जाने की जानकारी समिति के लोगों ने दी है। प्याऊ घर के शुभारंभ को लेकर कर्मचारी कांग्रेस नगरीय निकाय प्रदेश के संयोजक संजय शर्मा ने जानकारी दी। हाँ, ये साई मंदिर सेक्टर 6 भिलाई रोड में एक शर्मा आरटीओ इंश्योरेंस एवं पासपोर्ट एडवाइज़र मेरे पिताजी श्री जगदीप प्रसाद शर्मा जी एवं श्री राधाकृष्ण शर्मा बड़े भैया ने चालू किया था व्यवसाय 40 वर्ष पूर्व। तो 20 वर्ष पूर्व हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो पिताजी ने कहा, बेटा यहाँ गर्मियों में लोगों को पानी नहीं मिलता, बड़ा दिक्कत होती है पानी की। तो उस समय BSP से टैंकर और नगर निगम से भी टैंकर वगैरह आ जाता था, साड़ा थी उस समय। तो एक हम लोगों ने अनुमति लेकर के झोपड़ी बना के पानी पिलाने का काम चालू किया। फिर एक पंडित जी आए हमारे समाज के, ब्राह्मण समाज के सौजन्य से, उन्होंने बोला, बेटा चना गुड़ का प्रसाद जरूर लगाया करो मंगलवार शनिवार को। तो चना गुड़ की ऐसी प्रसिद्धि मिली कि अब मैं अपने जेब से तो कभी नहीं दिया, मैंने मटका ला के रखा है और संचालित बस करता हूँ। बाकी चना गुड़, बताशा और कागज़ के गिलास और अन्य चीज़ें, मटका और ये सब चीज़ें जो हैं स्वतः भावना से प्रेरित होकर लोग जो है छोड़ते चले जाते हैं। और इतना अच्छा प्रसाद, इतना अच्छा प्रतिसाद मिलता है, उसका प्रतिसाद मिलता है कि लोग बोलते हैं वो चना गुड़ वाली पियाओ में, क्योंकि कोई चना गुड़ नहीं रखता, गुड़ के सहारे गर्मी में लोग पानी भी ज़्यादा पी लेते हैं। तो एक अभिनव शुरुआत हम लोगों ने किया है। अब साथ में हम सोच रहे हैं कि नेकी की दीवार भी वहाँ बनवाएं, ताकि लोग अपना घरों के सामान, जैसे अभी अग्निकांड में भी मैं नगर निगम में हूँ, तो हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने और पूरे कॉलोनी वालों ने, भिलाई नगर वालों ने बहुत सारी वहाँ मदद की थी। सेक्टर इलाके में ऐसी कोई नेकी की दीवार, एक आस्था वालों ने बनाया जरूर है, एक नेकी की दीवार भी हम चाह रहे हैं वहाँ बने, तो लोग अपने घरों का सामान, अच्छा सामान ला के ज़रूरतमंदों के लिए रख दिया करें। तो ये पियाऊ जो है हम पिछले 20 सालों से संचालित करते आ रहे हैं और आपका चौथा स्तंभ का हम लोग को बड़ा सपोर्ट मिलता है, इतना मेरा कहना है। और ये पियाऊ जो है जगह जगह खुलना भी चाहिए, पानी की दिक्कत तो बढ़ती जा रही है और टैंकर भी ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ले दे करके हम लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही लेते हैं निगम के और BSP के सहयोग से। मेरा नाम संजय शर्मा और मैं कर्मचारी कांग्रेस नगर निगम भिलाई में प्रदेश का संयोजक हूँ कर्मचारी कांग्रेस से। बहरहाल भीषण गर्मी के मद्देनजर समिति का यह प्रयास सराहनीय है। अन्य स्थानों में भी ऐसे ही प्याऊ घर खोले जाने की जरूरत है, ताकि राहगीरों को निरंतर जगह जगह शीतल जल उपलब्ध हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।